हे गाइस, सो गाइस, जैसा कि आप लोगों के नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आंसर की नहीं मिल रही है, तो गाइस आंसर की रिलीज हो चुकी है और आपको ये ऑफिशियल साइट पे मिल जाएंगी। साथ में आप जो है अपने ओएमआर शीट भी चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा फिल किया है ना, और उसके साथ साथ आप अपनी आंसर की भी मिला सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आंसर की वैसे 100% करेक्ट नहीं है, 98% जो है आंसर की करेक्ट है, बिल्कुल सही सही ऑप्शंस डाले हुए हैं, है ना। एक दो मेरे हिसाब से तीन चार क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हैं, जिनके आंसर गलत दे रखे हैं, जिन्हें आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। उस पर रेज ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है आंसर की डाउनलोड करने में, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि कैसे आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं अपने अपने उस पर लॉग इन करके, ठीक है गाइस। चलिए तो देख लेते हैं, ये जो लिंक है जो मेरे को मैसेज में आया है, साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन के एंड में भी डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे जब, तो आपको वहाँ पे जो है एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, उस लिंक पे क्लिक करके मेरे पास मैसेज आया है। ये लिंक जो है मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया वीडियो के, ठीक है। तो आप उस पर जा सकते हैं, तो देख लेते हैं, ठीक है गाइस। जब आप इस तरह से ब्राउजर में से खोलेंगे, ब्राउजर में से ओपन करेंगे, तो इस तरह से ये कुछ ओपन हो जाएगा, जिसमें कि जब आप इसमें देखेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एक तो कैंडिडेट लॉगिन है, साथ में ऑब्जेक्शन जे जे ए। जब आप ऑब्जेक्शन जे जे ए पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आप डालेंगे, एंटर करेंगे, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो आप वहीं पे जाकर कैंडिडेट लॉगिन में फॉरगेट रजिस्ट्रेशन करके आप वहां से निकाल सकते हैं। चलिए मैं अपना जो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालने के बाद आप जो है सीधा आपके उसमें यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ जाएंगे इसमें, एक तो ओएमआर शीट डाउनलोड करने का, आंसर की डाउनलोड करने का, और साथ में जो है एक लिंक जो आएगा रेज वो ऑब्जेक्शन का आएगा, ठीक है। आपको जो उसमें अगर आपको अपनी ओएमआर शीट डाउनलोड करनी है तो ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आप जो है आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है गाइज। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो मैं 11 फरवरी और 10 फरवरी दोनों की आंसर की जो है वो एक उसकी एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है गाइज। अगर आपको चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।